वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स 2023 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, भारत में पहला, 2023 में भारत में पहला। इस वीडियो के अंदर आपको इस तरह के कई सवाल देखने को मिलेंगे, जैसे कि भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गाँव, भारत का पहला गोल्ड ATM, ये सब कहाँ पर है, कौन सा है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम, जैसे कि BPSC टीचर, BPSC, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार SSC, SSC, CGL, MTS, रेलवे, RPF या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो। जितने भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप सभी लोग, उन सभी एग्ज़ाम में यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस टॉपिक से। और इस तरह के टॉपिक जितनी भी हैं उन सभी टॉपिक को हम आने वाले दिनों में कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लेलिस्ट को सेव कीजिएगा, उन सभी प्लेलिस्ट के अंदर ही ये सारी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके इसे एक्टिवेट कर लें। वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की जाएगी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिए, वीडियो को रोक करके दीजिएगा क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी 20-25 क्वेश्चन हैं उनको मैं चाहता हूँ कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कराया जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। क्या होगा? उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का नाम आपने सुना होगा, इसका संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुरेखा यादव। क्या होगा? ऑप्शन बी, सुरेखा यादव इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कहां पर लगाया गया है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट जो है वो कहाँ पर लगाया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल जो है, भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, किस राज्य की, किस विधानसभा की जो है, यहाँ जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, तेलंगाना, झारखंड, नागालैंड या फिर कर्नाटक, इनमें से किस विधानसभा जो है, कौन सी विधानसभा जो पेपरलेस विधानसभा है, ये भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा है। राइट आंसर इसका हो जाएगा नागालैंड, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बना है। भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ पर बना है, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खुद की इंटरनेट सेवा बहाल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। खुद का इंटरनेट सेवा उसने अपना बहाल किया और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना है, आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, केरल। अगला सवाल है, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, मोढ़ेरा, कोची, वायनाड या फिर अलापूजा। तो राइट आंसर हो जाएगा मोढ़ेरा, ऑप्शन ए, जो कि कहाँ पर है, गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ बनाया गया है। तो भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर जो बनाया गया है वो गुरुग्राम में बनाया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, गुरुग्राम कहाँ है, हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला खाद्य संग्रहालय कहाँ पर बनाया गया है। तो भारत का जो पहला खाद्य संग्रहालय बनाया गया है वो किस राज्य में बनाया गया है, तमिलनाडु में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शहर ने देश की पहली डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किया है। किस शहर ने किया ये पहली डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन, देश की पहली डिजिटल बस सेवा हो गई है, आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। ठीक है, तो महाराष्ट्र यहाँ पर एक राज्य है, शहर न होकर के यहाँ पर आप राज्य क्लिक कीजिएगा, राज्य पर जो है वो ठीक कर लीजिएगा। तो किस राज्य ने किया है, महाराष्ट्र ने किया है। इसके बाद देखिए, अगला सवाल यहाँ पर है, 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। 100% विद्युतीकृत यानी जो है पूरा इलेक्ट्रिकल जो हुआ है रेलवे नेटवर्क करने वाला जो भारत का पहला राज्य बन गया है वो कौन बना है, हरियाणा बना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला गोल्ड ATM कहाँ पर खोला गया है। तो भारत का पहला गोल्ड ATM खुला है हैदराबाद के अंदर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारत क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट कौन बन गया है। यानी लोकल लैंग्वेज के अंदर जो निर्णय प्रकाशित करने वाला जो भारत का पहला हाईकोर्ट बना है वो कौन बना है, तो आंसर होगा केरल, ऑप्शन डी केरल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कौन सी है। तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो जो है वो है कोलकाता मेट्रो। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा रबर बांध कहाँ पर बनाया गया है। तो भारत में सबसे बड़ा जो रबर बांध बनाया गया है वो बनाया गया है
गया के अंदर, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, गया बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ खोला गया है? तो भारत का सबसे पहला अल्कोहल म्यूजियम खोला गया है गोवा के अंदर, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो स्थापित किया जा रहा है वो किया जा रहा है असम के अंदर, तो ऑप्शन सी असम यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? स्वास्थ्य का बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन बन गया है? आप सबको पता है पहले सोनपुर रेलवे स्टेशन जो था भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था, ठीक है, अब जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हुबली रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर होगा हुबली रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वैक्यूम सीवर तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बना है? वैक्यूम सीवर तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर जो बना है वो कौन बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा आगरा, ऑप्शन डी आगरा जो है ऐसा करने वाला पहला शहर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु बना है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, यानी पूरे राज्य के अंदर सोना जो गोल्ड है उसकी कीमत एक बराबर होगी, सब जगह एक ही कीमत पर बिकेगा गोल्ड, ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो आंसर होगा केरल, ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में कौन सा गाँव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है? कौन सा ऐसा गाँव है जो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत गाँव बना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पल्लीग्राम, ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने टॉपिक वाइज के एक टॉपिक भारत में सबसे पहला 2023 में भारत में पहला ये टॉपिक हमने कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए, बीते कुछ दिनों से कुछ महीनों से आपको वीडियो हमारी नहीं मिलती थी क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था, अब आपको ये वीडियो जो है रेगुलर मिलती रहेगी। किसी तरह की कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमें लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।